चोरी का कहने का ऐसा कि जब व्यापारी ऑलरेडी को भी माल खरीदार समझो नहीं भी रहता है तो वो लोग पहले उनको एफआईआर वगैरह बताना और ये कुछ उनका जो रहता है प्रोसीजर के जो हाईकोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से वो लोग फॉलो नहीं करते हैं। कभी एफआईआर लेके नहीं आते हैं, कभी एफआईआर बताते नहीं हैं। कबूली बयाननामा जो आरोपी का रहता है वो भी कभी वो लोग बताते नहीं हैं। पंचनामा जो निवेदन पंचनामा होता है वो भी लोग, और मेन तो ये कि कभी कभार ये लोग रिमांड भी आरोपी की नहीं ले गए बिना उसको खड़ा कर देते लाके। तो जब ऑलरेडी कोर्ट में नहीं लेके जाते तो वो आरोपी कैसे बनता है? कोर्ट में लेके जाते हैं, उनकी पीसी ली जाती है, पीसी लेके जाने के बाद उसको आरोपी बनेगा ना, तब उसको लेके जाइए ना। तो रिमांड बिना ये लोग आरोपी बना देते पहले, ये भी गलत हो रहा है। आपका ऐसा कहना है मतलब इनकी पुलिस अपने साथ मनमानी कर रही है, मतलब परेशान कर रही है? कारोबारी चल रहा है आज के टाइम में। हम तो ये कहते हैं कि पुलिस का जो ये भी चल रहा है जो अभी कि पुलिस चोर मोसेरे भाई जो हमने पेपर में पढ़ा है वो सही है, क्योंकि ये कहावत जो है ना ये सही हो रही है। क्योंकि आज के टाइम में देखिए हमारा मीरा भाईंदर से लगा के पालघर विरार वसई ये सब एरिया में उनका करीबन 80 किलो हमारे मीरा भाईंदर का और 50 किलो दाण ये नाला सोपारा वसई विरार का जो माल हमारे ये कुछ 5-7 सालों में माल चोरी डकैती लूटपाट जो भी हुआ है वो आज दिन तक उसमें खाली 1700 ग्राम और 300 2 किलो के करीब रिकवरी हुई है, वो कभी रिकवरी होता ही नहीं।